down to me, as low for me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी, काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो आज का जो व्लॉग है वो उसका जो ज़्यादा फोकस होगा वो होगा सिर्फ पाकिस्तानी फूड पे। मैं अभी अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ और मैं इस जगह आया हूँ जिस जगह को आप लिटिल पाकिस्तान कह सकते हैं। यहाँ पर 8-10 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, आगे जाएँ तो एक पाकिस्तानी मस्जिद भी है और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा लोग रहते भी हैं और खाना खाने के लिए आते भी रहते हैं। तो जी, चपली कबाब और साथ लस्सी का जग। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, दो बंदे कैसे खत्म करेंगे। तो जी, चपली कबाब हमारे आगे, इसके ऊपर अगर लेमन निचोड़ा जाए तो ओए होए हो, तो एक पे ज़्यादा लग गया इसको बोलते हैं। तो जी, ऐसे कबाब को रोटी के ऊपर रख के खाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। यहाँ के चपली कबाब बहुत ही कमाल के हैं। देखो, वाह, कमाल का इसका फ्लेवर, बहुत ज़्यादा नींबू निचोड़ा हो ऊपर और साथ रायते का टच दिया जाए। और यहाँ के कबाब की नवीन बात ये देखें, कितना आला किस्म का मीट लग रहा है इसमें। उससे बेहतर मैंने चपली कबाब कभी नहीं खाया। मोर ला पैसे पकार दी और लज़र अप गेल तो आटा और सेकंड बाइट आ ने दो सितवा तवे दो सवा नहीं स्टे गया पर लग रो। चपली कबाब ने इस रेस्टोरेंट को कोई बीट नहीं कर सकता केल में। सही शरा, और उसके साथ अगर लस्सी हो नॉल टे वगे की और दफ्तर के बस हफ्ते भर बाद कर ले बस। अल जितना बड़ा जग, 2 लीटर 2 लीटर का जग, दो बंदों ने खत्म किया है। एक एक लीटर मेरे लगता है मैंने तुमसे ज़्यादा पी है। बगैर आइस के फुल। तो जी, बहुत ज़्यादा खा लिया, अब चलना पड़ेगा। लेकिन हम रोड पे वैसे नहीं चल सकते क्योंकि बारिश हो रही है, तो चलें ट्रेन लेके चलते हैं बुकी बिनतांग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरिया है कुआलालंपुर में। फिर वहाँ पे थोड़े रेस्ट करेंगे, फिर रात को डिनर भी हम पाकिस्तानी फूड के साथ करेंगे। चपली कबाब बहुत मज़े थे और मैंने तकरीबन कोई ना 1.5 लीटर लस्सी पी ली है। मेरे से चला नहीं जा रहा, लेकिन चलूँगा तो फिर भी कुछ होगा। Take me up into the sky. उसकी ट्रेन आ गई हमारी बारिश में। तो जी, बारिश अभी भी हो रही है बाहर, इस वजह से हमें मॉल में घूम के टाइम गुजारना पड़ रहा है। बारिश के अंदर कुछ बाहर जाएँ। एनीवे,
ये एक बड़ी प्यारी सी मॉल है, इसको लॉट 10 कहते हैं। ये यहाँ पे जो ज़्यादा स्टोर हैं वो सारे जैपनीज हैं। बारिश की वजह से हर कोई तंग साइडों से चलना पड़ रहा है, और मोस्टली लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम दोबारा जिस मॉल के अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो अभी शाम के तकरीबन 6 बज गए हैं, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ गया था, वहाँ पे एक मेरे दोस्त मुझे मिल गया, तो उसके साथ ही काफ़ी देर गपशप होती रही। अभी कॉफ़ी पी, अभी इसके बाद आए हैं मुकिविनतांग। इस जगह थोड़ा सा घूमेंगे, काफ़ी देर हो गई थी इस तरफ मैं नहीं आया, काफ़ी 2-4 हफ्ते तो हो गए हैं। तो फिर यहाँ से भी वापस जाएंगे, और फिर डिनर जो होगा वो भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर ही होगा। आज बारिश ने घूमने नहीं दिया, लेकिन अभी बारिश हल्की हो गई, लेकिन अभी भी हो रही है, इसलिए मैं इस ब्रिज के थ्रू ट्विन टावर की तरह जा रहा हूँ। तो जी, जब मैं 10 दिन ठीक से नहीं चला, वो सारी कसर आज निकल रही है, और मैं अभी चल चल के रोडों से घूम के आया हूँ KLCC पार्क। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बढ़िया अच्छा लग रहा है चलते हुए हल्की हल्की बारिश में, बड़ा मज़ा आ रही है। और अभी डिनर तक, जब तक भूख नहीं लगेगी, ऐसे ही आवारागर्दी चलती रहेगी, साथ में फोटोग्राफी। तो जी, ये आप देख सकते हैं बारिश के बाद जो केल के अंदर जो शाइन आती है ना, वो कमाल है। और अभी मैं ट्विन टावर के पास हूँ, ये इसका कलर देखें, मलेशिया झंडे वाला कलर उन्होंने किया हुआ है। अभी हम वापस जाएंगे चौकेट। तो जी, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत यहाँ पे रात होती है, स्पेशली इस एरिया में। और बुकिविनतांग तो मैं काफ़ी नाइट के वक्त ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आज हमने सिर्फ पाकिस्तानी फूड खाना है, तो अभी हम यहाँ से ट्विन टावर से पैदल हम जाएंगे चौकेट, क्योंकि पैदल चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, तो ये देखें आप इस तरफ। और अगर आप केल में सही तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और स्पेशली रात के वक्त पैदल घूमें, जितना हो सकता है पैदल चलें। हाँ, ट्विन टावर वो पीछे, वहाँ से आप चल के इस ब्रिज से, इस ब्रिज पे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं रात के वक्त। यहाँ से खूबसूरत सी लाइटिंग होती है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे टाइम गुजार चुका हूँ। तो जी, अभी रात का वक्त है, हम आए हैं चौकी किसी जगह जिसको लेते पाकिस्तान कहते हैं। जो असल रौनक देखने वाली वो रात के वक्त ही होती है। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो सबसे ज़्यादा धूम है वो बारबेक्यू की है, और यहाँ पे सिर्फ आपको पाकिस्तानी लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे, आपको मलई लोग भी नज़र आएंगे बड़ी बड़ी तादाद में। इसके साथ अभी ट्राई करते हैं तवा कीमा, टकाटक। बहुत गर्म है अभी, लेकिन हम रायते में लगाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। और कमाल, एक और दफ़ा ट्राई करते हैं इसको। दवा की माँ साथ रसा रायता लगा लें। सबसे मज़े की बात, आपको इस इतने से एरिया में आपको हर तरह का फ्लेवर, हर तरह का पाकिस्तानी खाना मिल जाता है, जो कि मेरे यहाँ से
पाकिस्तान में किसी फूड स्ट्रीट में इतने अच्छा मिलता होगा। गुड, हाँ स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत स्पाइसी है। चले जी इसके साथ ट्राई करते हैं जी, चिकन कबाब, मुझे रायता। पहले वैसे मैंने ट्राई किया, मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन रोटी कट्टा ठीक है। मैं यहाँ से वैसे मुझे स्पाइसी लगा, वैसे तेरा मुंह का शायद नहीं, थोड़ा सा मुझे शॉर्ट थ्रोट है इस वजह से। एक और नवाला, अब मैं इस कबाब को ट्राई करता हूँ। काफ़ी ड्राई है तो इतना से जूसी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन शायद उतना ही अच्छा हो, चेक करते हैं। और ये इतना सा रायते में लगा के कबाब बहुत मज़े का इनका। तो ये कबाब इसको दोबारा से इस तरह से ड्राई वो नहीं, जूसी नहीं लग रहा, लेकिन टेस्ट बहुत मज़ा आएगा इनका। ब्रेड पे बैठे बैठे भूख ज़्यादा लगी, फिर हमने थोड़ा सा कढ़ी पकौड़ा भी लिया इनसे, ये भी चेक करते हैं। आजा आजा आजा, करीब हो रहा बहुत अच्छा है, थोड़ा लाइट सा मसाला और बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी इसकी बहुत अच्छी है। एक तरफ करीब हो रहा ये, अगर मैं नंबर टू तो करीब नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, किसी ये भी अच्छा ही है, पर है चलो ये तीन नंबर। तो मैं हंस रोटी और चाहिए होगी। तो ये था आज का दिन, बड़ा अच्छा गुजरा। और अभी मैंने माइक बगैर वो अनबॉक्सिंग की है, मेरा एक पार्सल आया हुआ था जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पे डिलीवरी, तो मेरा वो उधर ही मैं पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी डिलीवरी है, तो मैंने वो उठा लिया साथ ही। और रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे, फिर मैंने कहा चलो अभी फ्री बैठे तो इसको ओपन करते हैं। इसमें कुछ एक पिलो है और शूज़ वगैरह ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि मैं अगले मंथ कैंपिंग की वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा मज़े का कॉन्टेंट है। उसके लिए मैं ऑलमोस्ट तैयारी कर रहा हूँ, 99.9% कह लें डन हो गया, बस एक दो चीज़ रह गई है, तो फिर उसके बाद हम वो स्टार्ट कर देंगे। और फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।